हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ समय पहले मैंने एक चिकन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आप लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी थी कि हाँ आपका जीजू को चिकन अच्छा है, इनका चिकन अच्छा है, भाई का चिकन अच्छा है, मुझे चिकन बनाना सिखा दे। तो आज मेरा मन था अफ़गानी चिकन खाने का, तो मैं बनाने जा रहा था। तो गोलू कहती है कि आज मैं अपनी तारीफ़ बटोरूंगी और मैं बनाऊँगी चिकन। तो चलो देखते हैं कैसे बना रही है अफ़गानी चिकन। मुझे लगता है ऐसे ही बनेगा क्योंकि मुझे नहीं पता, पहली बार बना रही है अफगानी चिकन, इससे पहले मैंने ही बनाया, जब भी बनाया है। तो देखते कैसा बनाती है, अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर अच्छा लगेगा तो उसकी तारीफ करेंगे, नहीं तो इसकी कुटाई जरूर करेंगे, ये तो पक्का बोल। ठीक है जी, चलो आओ देखते हैं कैसा बनता है चिकन, लेट्स गो। इधर देख अच्छा अच्छा इधर तो देख। हाँ, बोलो, तो बोलो, क्या बना रही है आज? मैं बना रही हूँ अफगानी चिकन। ये तो मैं बनाने वाला था। अरे जाओ, वैसे मैं कुछ सुन रही थी, कुटाई जैसा एक वर्ड आया मेरे। कुटाई अगर बेटा बेकार बना। अच्छा, तो ये तेरे जो मोटे मोटे मुंह है ना, ये अच्छा। ये तो इस मुंह का मैं तवेला बना दूंगा। क्यों सीनू, बना देंगे ना? अच्छा बना फिर। तो 500 का नोट। चल ठीक है, 500 का नोट डन। कैमरा पे दोगे? और मैं, अरे भाई कैमरे में दूंगा डन। ठीक है, चिकन होगी तैयारी? क्या क्या? प्याज काट ली है, धनिया, धनिया थोड़ी सी इसमें से गार्निश अच्छा। में भी लेंगे थोड़ी सी, ये मिर्ची पीसेंगे, थोड़ी सी खड़ी अच्छा। डालेंगे, लहसुन, अदरक, काजू, काजू मैंने थोड़े लिए, मुझे ना थोड़ा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। यार काजू कम है, मेरे को लग नहीं रहा इनसे कुछ मजा आएगा। आ जाएगा, तुम रहने दो। नींबू तो पक्का खराब बनेगा। दही और एक चिकन की वीडियो में तारीफ है क्या हो गई, देख लो भैया इनके। ऐसे होता है भाई। अब ये सारा पहले मैं पीस लूं, तुम्हें मैं बताती हूं। पीसना है सारा? बेबी रोज खाना मैं ही बनाती हूँ, ठीक है? चलो चलो पीस लो। क्या डाला पहले? प्याज। हाँ बेबी। तो जितना भी टेगल तूने लिया सारा पीसना है पहले, हैं? हाँ, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी मिर्ची बचा के। पता है लोगों को ना ये लगता है, नहीं अफगानी चिकन है तो नाम से ही कुछ मतलब खतरनाक सा बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं होता, अफगानी चिकन बहुत जल्दी बनता है। मुझे तो ग्रेवी वाला चिकन उतना अच्छे से नहीं आता बनाना, पर मुझे ये बहुत अच्छे से आता है बनाना। अच्छा जी। हाँ चलो आज खा के देखेंगे। नींबू भी साथ में? हाँ साथ में डाल दो, और क्या, अच्छी तरह पिस जाएगा सब चीजों में। इसी में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। बेबी जो आपने पेस्ट बना लिया है, हाँ अभी चिकन में मैरिनेट करना है। पेस्ट इसी में, हाँ एक साथ डाल देंगे। चिकन कितना लिया आपने? 1 किलो। 1 किलो, बढ़िया बढ़िया। ये दही 1 कप? 2 कप? 1 कप है ये मेरा, ये कप लगभग 200-250 ग्राम के आसपास का है। चलो दही हो गया, अब इसको मैरिनेट करना, मिलाना सबको। अभी इसमें और वो थोड़ा सा चाट मसाला और डालूंगी। अच्छा, मिलाने के बाद कितनी देर रखना है इसको? इसको रखना है हमें आधे घंटे। फ्रिज में बाहर? फ्रिज में। फ्रिज में आधे घंटे बाद तैयारी होगी इसकी। थोड़ा सा चाट मसाला और डालना, निकालना इसमें चाट मसाला। चलो भाई, आपने सुना लास्ट टाइम प्याज काटने को गई तो मैं काटू प्याज, अब चाट मसाला मैं डालू इनके लिए? ओ मेरे से ना ये बातें मत करना, ठीक है? प्याज काटने में पूरी 1 किलो। या तो चिकन तू बना, तो तू डालना चाट मसाला, मैं क्यों डालूं? मेरा हाथ सना हुआ है ना, मैं भूल गई थी चाट मसाला डालना। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, देखा मैंने डाल दिया चाट मसाला। ये हाथ मेरे ही था शायद जिससे डाला है चाट मसाला। ये नहीं था पागल, ये वाला हाथ था। जाओ हाथ एक बार दिखा दो, फर्क पता लग जाएगा। देख, हाँ ये लो, ये देख, ये देख फटे फूटे हाथ और मेहंदी वाले सुंदर हाथ। अरे जाओ इसको अच्छे से मिला लो, के लिए हम इसे रख देंगे फ्रिज में। चलो ठीक है जी, ये आधा घंटे से ऊपर हो चुका है और ये चिकन मैरिनेट हो गया है। अब तैयारी है इनको फ्राई करने की। तो ये तैयारी हो चुकी है हमारे चिकन की फ्राई करने की। पहला पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस। ये जो पहले पीस जल्दी सारे मेरे है ना, तुम ही सारा खा लेना, मैं कौन सा रोकूंगी, बहुत खाती हूं मैं ज्यादा। तो अब हम इन पीसेस को अच्छे से फ्राई होने देंगे, जब तक ये एकदम ब्राउन हो जाएंगे, थोड़ा सूख जाएंगे तब तक इनको करेंगे। और ये जो बचा हुआ मैरिनेशन है, ये बचा हुआ मैरिनेशन है गर्म मसाले के साथ, इसमें हम पकाएंगे ग्रेवी, मतलब इसकी बनाएंगे ग्रेवी और ये चिकन मिक्स करके पकाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको इसके फ्राई होने के बाद। अरे भाई खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है,
पानी आ रहा है मुंह में। इनके चिकन, इनका चिकन बहुत अच्छा बनता है। अरे बेबी, खाना हम ही बनाते हैं, इस घर में भूल जाते हो, हमारे याद का खा खा के सूखे से मोटे हुए हो। रेसिपी तो मैंने बताई ऐसे बनता है। अरे बेबी, कितना कितना झूठ, ये मतलब ये आता कहां से, इतना झूठ पेट के अंदर तुम्हारे, क्या कह रही है? झूठ 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 झूठ। अच्छा, वो भी सफेद, इस चिकन से भी ज्यादा सफेद झूठ। किधर मिला खाने को ये? ये जब ऐसे, ये जो पानी दिख रहा है ना, इसका मतलब मैरिनेशन का जो ये सारा सूख जाएगा और इस पे कोट हो जाएगा, मतलब 80% पकाना है इसमें, फिर 20% ग्रेवी में, फिर मिलेगा खाने। ओके, लेट्स वेट। तो फाइनली चिकन फ्राई हो गया है अच्छे से। तो बेबी अभी कितना टाइम लगेगा? अब बस इसको हटा के मैं इसमें से चिकन निकाल दूंगी। सारा आप देख रहे हो, सिर्फ ऑयल दिख रहा है अब चिकन का, और कहीं कहीं ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स भी है। 80% के अराउंड ये पक चुका है। से सारे पीसेस हटाऊंगी, और ये जो ऑयल है इसी ऑयल में हम कढ़ाई के अंदर इसकी ग्रेवी को पकाएंगे अच्छे से, मसाले डाल के। दिखाती हूँ अभी कैसे। ओके बेबी। सारा जो उसमें तेल बचा हुआ था मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसके अंदर एक बड़ी इलायची, कुछ लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता डालूंगी, और इसमें छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से भी मेरे पास है नहीं, मैंने वो स्किप कर दी है। अब इसके अंदर मैं कुछ हरी मिर्चियाँ डालूंगी स्लिट करके, जब तक ये मसाला भूजता है अच्छे से। एक बार थोड़ा सा मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर डालूंगी मैं इसके अंदर वो जो मैरिनेशन बचा हुआ था हमारे पास। और बेबी, ये चिकन तुम्हारे चिकन से तो बहुत बेटर बनने वाला है, बिलीव मी। देखते हैं नहीं दोस्तों, अब आपको मैं टेस्ट तो फिलहाल नहीं करवा सकती, बट आप लोग ही बताना कि इनका चिकन ज्यादा बेटर था या जो मैं बना रही हूँ आज, ये ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में, कमेंट जरूर करना है। ये क्या मिलाया जी आपने? मैरिनेशन जो बचा हुआ था। अच्छा, इसी में बनेगी ग्रेवी। इसमें लाल मिर्ची नहीं डालनी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अफगानी के अंदर लाल मिर्ची नहीं पड़ती। हाँ, इसलिए ज्यादा पता लग गया तुम्हें आजकल। अरे बताई तो रेसिपी मैंने ही है। अरे ये झूठ मत बोलो कम से कम। झूठ मैं बोलता नहीं। वैसे तुमने पूरी YouTube पे अपनी टीम बना रखी है। चीचू तो बहुत अच्छे हैं। पागल लोग प्यारी इतना करते हैं मेरे को। अरे बेबी, इमेज मैंने अच्छी बना रखी है तुम्हारी, रहने दो। अरे अच्छे जब भी तो बनी है, किसी की इमेज बनाने से नहीं बनती, अच्छी होती है तो ही बनती है। पत्नी के बनाने से पति की इमेज बनती भी है और बिगड़ती भी है। दे दूंगी किसी दिन, एग्जांपल देख लेंगे। थोड़ा सा लोग इसमें चिकन मसाला नहीं डालते, बट मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चिकन मसाला से, थोड़ा चटपटा सा टेस्ट आता है। चिकन मसाला आपके जीवन भर का श्रम सफल हुआ है। उसको फ्राई करते रहना है। तो कहाँ तक पहुँच गए प्रोसेस? बस मुश्किल से 10 मिनट का और है, थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, इतना पतला नहीं खाते। बाकी इसमें मैं थोड़ी सी, मैं इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाए, और थोड़ी सी इसके अंदर डालूंगी कसूरी मेथी क्रश करके। अब इसको मिक्स करके ढकना है और बस थोड़ा सा थिक होने का वेट करना है, उसके बाद आपका चिकन रेडी, और मैं जीत जाऊंगी कि मैंने अच्छा चिकन बनाया है। तो खा के बताएंगे। देख के नहीं पता लग रहा ना, मेरा है ना इसलिए पता लग रहा। अब चिकन पूरा हमारा रेडी हो गया है, मतलब चाहो तो इसको थोड़ा और सुखा सकते हो, बट मुझे इतनी ग्रेवी वाला तो पसंद है। तो मेरा ये चिकन पूरी तरह तैयार हो गया है, अब मैं इसको सर्व करके तुम्हें चखाती हूँ, एंड आई नो ये बहुत अच्छा बना है, तो ये अच्छे लगने वाला। देखते हैं खा के, जल्दी से लेके आओ, हम खाएंगे। अब तुम खा के बताओ मेरे हाथ का चिकन कैसा है, कैसा है? एक बार दोबारा आईब्रो मैं शूट नहीं कर पाई। ग्रेवी तो मत बनी है। शीनू। यही कुर्सी मिलती है ना हमेशा। ग्रेवी तो बढ़िया बनी है, तो पीस दे दे तेरे पके नहीं पके, क्योंकि हम जो है ना 2021 के जज है। अच्छा हाँ, मास्टर शेफ के जज तुम ही हो। नहीं रे पागल, अपने घर के जज। घर के जज, तुम्हारी जजमेंट मैटर नहीं करती, बट फिर भी बता दो एक ऑनेस्टली बताना, ईमानदारी से, अच्छा बने तो अच्छा कह देना। अच्छा बना है। हाँ तारीफ है, लेकिन मेरे से नहीं। अरे जान नकली। मस्त मस्त। कोई भी ये चिकन देख लो,
और आ जाना, मैं घर पे खिला भी दूंगी, और इनका चिकन देख लो, और उसके बाद ईमानदारी वाला रिव्यू देना, इनकी तरह बेईमानी वाला नहीं। मस्त बनाए, सीरियसली बस बना, बढ़िया बनाए। चलो ठीक है। तो दोस्तों चिकन को तो मेरे इन्होंने बोला ठीक ठाक है, मतलब मस्त है, पर इनके वाले से मस्त नहीं है। और स्पीड देख रहे हो खाने की, रुक जाओ रोटी के साथ देती हूँ। तो मेरा चिकन मेरी तरफ से तो रहा हिट। अब आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कि आपको जीजू का अच्छा लगा था या दीदी का अच्छा लगा है। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, घर में रहो, सुरक्षित रहो, हंसते खेलते रहो, खाना खाओ, खाना बनाओ, दूसरों को भी खिलाओ, और स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखो, पेट का ध्यान रखो। बाय बाय।